उनके पीए ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि हम गाड़ी में हैं, हम सरगुजा जा रहे हैं। और मेरी उनसे 1 मिनट बात हुई और मैंने उनको पूरा के पूरा घटनाक्रम से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुकिए, उन्होंने वहाँ पर बात करी और मुझे कहा आप चुप रहिएगा, चुनाव का समय है, बिल्कुल चुप रहिएगा, कुछ मत करना। और उन्होंने फ़ोन रख दिया। गाड़ी में पीछे सीट पे बैठा हुआ आदमी, अगर एक महिला अपनी खुद की पार्टी की ICC ऑफिस बेरर के साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है और वो बात नहीं कर पाए। दूसरा कॉल मैंने भूपेश बघेल जी को किया, उन्होंने फ़ोन कॉल नहीं उठाया। तीसरा कॉल मैंने पवन खेड़ा जी को किया, वो शायद किसी सभा में थे, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। भूपेश बघेल जी ने मुझे कॉल बैक किया, मेरी उनसे 3.5 मिनट बात हुई। पूरी बात सुन के सामने से जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, इतना घबरा गई हूँ, मैं अस्पताल से वापस आ रही थी उस समय, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं राजनीति ही छोड़ दूँ, तो भूपेश बघेल जी ने सामने से मुझे कहा नहीं, तुम छत्तीसगढ़ छोड़। चीखती चिल्लाती बिलबिलाती और मैं सिर्फ इतना कहती रही, दिखा बताती रही कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन जो प्रदेश के महामंत्री भी थे वो जूते उतार के बैठे रहे, कोई नहीं खड़ा हुआ, किसी ने उस आदमी को नहीं बुलाया, किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ, और एक तमाशा वहाँ बनता रहा। मैंने मेरी घड़ी 154 पे मेरा BPM चला गया और घड़ी ऐसे धप फट फट कर रही थी, लग रहा था कि घड़ी ही फट जाएगी, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, मेरी मैं वो सोचती भी हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो मेरे साथ उस पल हुआ। मैंने उसके बाद पानी पी के थोड़ा शांत होके सचिन पायलट जी को सबसे पहला कॉल किया, पर हमेशा की तरह सचिन पायलट जी के पास समय नहीं होता। अगर आपको वहाँ पे किसी से बात करनी है, प्रभारी जी हैं वो, लेकिन वो बात नहीं करते, सिर्फ उनके PA बात करते हैं। पार्टी में प्रभारी का काम ही उनके PA करते हैं। उनके PA ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि हम गाड़ी में हैं, हम सरगुजा जा रहे हैं। और मेरी उनसे 1 मिनट बात हुई और मैंने उनको पूरा के पूरा घटनाक्रम से अवगत कराया। और उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुकिए, उन्होंने वहाँ पे बात करी और मुझे कहा आप चुप रहिएगा, चुनाव का समय है, बिल्कुल चुप रहिएगा, कुछ मत करना। और उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैंने फिर फ़ोन लगाया कि मेरी सर से बात करा दीजिए, लेकिन कहा अभी व्यस्त है, हम गाड़ी में सरगुजा जा रहे हैं। गाड़ी में पीछे सीट पे बैठा हुआ आदमी, अगर एक महिला अपनी खुद की पार्टी की ICC ऑफिस बेरर के साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है और वो बात नहीं कर पाए। दूसरा कॉल मैंने भूपेश बघेल जी को किया, उन्होंने फ़ोन कॉल नहीं उठाया। तीसरा कॉल मैंने पवन खेड़ा जी को किया, वो शायद किसी सभा में थे, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। चौथा कॉल मैंने जयराम रमेश जी को किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। उसका अगला कॉल मैंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के रहे सलाहकार विनोद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।